सो फाइनली आज मैंने मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा फैसला किया। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत टफ था, फिर भी मैंने खुद को समझाया। मैं उठी और नाके आ गई। बहुत ठंड थी बाय गॉड, फिर भी हाय नमस्कार और फैलाग आप सभी को मेरा, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और ऐसे मौसम में नहीं कैसे नहा पाए, ये मुश्किल काम था मेरे लिए जो कर लिया मैंने, आज नहा लिया। देखो मौसम तो देख ही लिया होगा आपने, फिलहाल काफ़ी ठंडा हो रहा है और हवा भी चल रही है। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 बजे का, और दिन भर जो जो भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल तो इधर को ये बंदर भगाने की ड्यूटी हो रखी है मेरी। बंदरों का महामुकाबला चल रहा है यहाँ पे। ये महामुकाबला होते हुए यहाँ पे बंदरों का आतंक तो यहीं पे आई थी, फिर चलती हूँ दुकान में, तो बने रहेगा लास्ट तक, देखते हैं क्या क्या हो पाता है आज दिन भर में। ठीक है, नाश्ता वगैरह तो कर लिया मैंने, तो फिलहाल ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। इसकी क्लास चल रही है, मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा बाल सुखा लेती हूँ, गीले रह जाएंगे नहीं तो दिन भर। सो अंदर नमो की क्लास चल रही है, मैंने बाल सुखा लिया और चुटिया भी बना लिया। बाल सुखाने का फायदा ये रहता है कि सूख जाता है एकदम बढ़िया करके, और सिर में ठंडा भी नहीं लगता है। अब ओढ़ूंगी टोपी, टोपी पहन के फिर करते हैं अपने दुकान का काम स्टार्ट। फिर मिलते हूँ मैं आपको सीधे दिन में, ठीक है? मैं दो चार कपड़े सिल लेती हूँ, अपनी दिहाड़ी कमा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो फाइनली धूप आ गई है और हमारे छत की रंगत देखो, खाना खाना, कोई कपड़े सुखा रहा है, ये गर्मा गर्म रोटी मिलते हुए। देखो हमारे खिड़की की जाली लग जाएगी आज, जो फट रखी थी ना बंदरों ने। सो दोस्तों आज मेरा नहाना सफल हो गया, फिर धूप आ गई मस्त वाली, तो अभी धूप के मज़े ले रहे हैं और छत में बच्चों के साथ मज़े कर रहे हैं। इतने दिन बाद दिख रहे हैं आज सभी लोग, इतने दिनों बाद दिख रहे हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। हेलो भानु, इधर आ जा, यहाँ से आ जा इधर को। क्या है? हेलो मयंक, देख नमो के लिए क्या लाया है। थैंक यू। हेलो भानु, कब आया घर से? तू तो हमारे पास भी नहीं आ रहा है, इतना कोरोना थोड़ी है हमको। नहीं है अब तो, कोरोना चले गया हमको। परसों आया था, परसों आया था तो चले गया ना अब। परसों की बात, परसों ही। फिर अभी दिन का माहौल कुछ ऐसा है, देखो यहाँ रोड से लेके ओ पार फील्ड केदारेश्वर ग्राउंड में गाड़ियों की भीड़ भीड़। आज ना यहाँ नेताओं का नामांकन हो रहा है, पार्टी वालों का। एरोप्लेन भी नहीं आएगी, एरोप्लेन जो क्यों आएगी? ये देखो लुच्ची के ठाट, लुच्ची बढ़िया वाला है, बढ़िया हो रहा है। ये वाला पैर देखो, ये वाला ना मोटा है इसका, यहीं पर से टूटा है इसका, ये ठीक है पतला। ये देखो हमारे कपकोट में इतना जाम, यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमारे सारे घर के लोग देख के चले गए हैं रैली। ये देखो, ये आज बीजेपी और आम आदमी का नामांकन था, तो अभी ये गए आम आदमी वाले, बीजेपी वाले इससे पहले चले गए। उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं दुकान में थी। और आप ज़रूर से बताइए कि आप किस पार्टी से हैं। तो ये देखो किचन की नई जाली, झमाझम। हाँ थोड़ी सी यहाँ पर बंद है दूध। तो अभी दुकान से घर आ गई हूँ मैं, इतना ठंडा हो रहा है ना, अब क्या बताऊँ। जैसे दिन भर धूप आई थी ना अच्छी खासी, लेकिन थोड़ी 2:30-3 बजे के बाद ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली जो ठंडा हो रहा है काफी। और फिर इसके साथ खाना पीना सब हो जाता है। तो दोस्तों गर्मा गर्म कॉफी शाम के समय दुकान से घर आने, कमरा कुछ ऐसा है
एक्सपायरी वाली ही आएगी ना। इग्नोर मारे और मेरी कॉफी। दोस्तों इस लड़की को देखो यहाँ। हेलो, खोलो इसको, ठंडे से बचाओ। ये यार इस बेचारे का पैर ना, ये ला मालिश कर दूंगी। यहाँ स्विस ब्यूटी के थैले में नमो का क्या ब्यूटी है बताऊं। हमारा हीटर जल चुका है और यहाँ पर बैठ के खाएंगे हम घूकते की माला, इतनी सी बच गई है अब। चलो भाई पड़ाकू मैन, बैठो बुक लेके। तो दोस्तों अभी दूध पी पा के आ गई हूँ कमरे में। मेरा जो ये माइक है ना, ये मुझे बहुत ही धोखा दे रहा है। ये इससे पहले वीडियो में नहीं बोल रही मैं, पुष्पा माइक ठीक करके रहेगा साला, यही खराब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लास्ट में उसमें जब प्ले करके देख रही हूँ तो उसमें आवाज़ ही नहीं, वो बाद में पता चल रहा है एडिटिंग करते समय। तो मेरे को वीडियो में से ना अच्छे अच्छे पार्ट भी हटाने पड़ रहे हैं, डिलीट करने पड़ रहे हैं। दिन में बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाई थी मैंने, आवाज़ ही नहीं आई तो वो डिलीट करनी पड़ी साला। तो एक अच्छा सा माइक ढूंढ रही थी मैं यूट्यूब में, तो इतने पिछले जब से मेरे इसमें गड़बड़ी हो रही है ना, तो यूट्यूब में इतने दिन से सर्च कर रही हूँ मैं माइक के लिए। वो इतने महंगे महंगे माइक है ना, मैं ये तार वार का झमेला नहीं। देखो ये मेरा ऐसे ही बदा हुआ है, ऐसे फ़ोन में लगता है और ये ऐसे लटकता रहता है, तो ये मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए वायरलेस वाला। तो एक जो होता है बोया का होता है ना, इतना पुंदूर जैसा लगा रहता है ऊपर में ऐसे, वो भी नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा दिखता है जी भी, लोग फिर ऐसे ही देखते रह जाएंगे। मुझको ऐसे ऐसे चाहिए गुप्त वाला, जो कहीं पे लगाओ जिसका कोई पता ही नहीं चले, छोटा छोटा हो, कहीं पे लगा दो चिमटी जैसा एक उसमें लगाओ, ऐसा चाहिए। लेकिन इतने महंगे महंगे हैं ना, जिसको बोल पाने की हिम्मत नहीं है ले पाने की, तो दूर के बाद तो देखते हैं कि क्या होता है, मेरे को कैसा माइक मिलता है। अभी तो बिना माइक का ही थोड़ी आवाज़ वो जैसे हो जाती है ना, अजीब सी, क्या करें। सो दोस्तों मेरा बेटा मेरे पे मेहरबान हुआ है, बोल रहा है मेरे गुल्लक में ढूंढ लो फिर पैसे मिल जाएंगे। ढूंढ लो, इसकी क्लास लगाती हूँ मैं, तो क्लास ही तो लगानी है, पढ़ के बता। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास होगी तेरी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर से बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मैं फिर मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। और फिलहाल एक दो दिन ये माइक नहीं लगाऊंगी मैं, अब इसको तोड़ फाड़ के फेंकती हूँ। बाय एंड गुड नाइट।